दोस्तों सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो कि पूरे भारतवर्ष में एग्ज़ाम कंडक्ट करता है उसने अपना 12th बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया है। और दोस्तों बहुत खुशी की बात आपको होगी कि हंसिका शुक्ला जिन्होंने 500 में से 499 नंबर स्कोर किया है, बहुत ही अच्छा स्कोर किया है दोस्तों, वो ऑल इंडिया टॉपर रही हैं। दोस्तों क्या उनकी स्ट्रेटजी थी, किस तरीके से वो पढ़ाई करती थी, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा उनका जो एक नंबर कम हुआ है वो कहां पर कम हुआ है इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हंसिका शुक्ला जी के बारे में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश का हो या हो वो ऑल इंडिया का, तो आप परीक्षा ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। हमारा कोड यूज कर सकते हैं GURMGOV40। दोस्तों अगर आप भी CBSE के स्टूडेंट रहे हैं तो आप भी यहां पर अपना चेक कर सकते हैं स्कोर। ये देखिए यहां पर आपको रोल नंबर डालना पड़ेगा, स्कूल नंबर, सेंटर नंबर, एडमिट कार्ड, इस तरीके से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें टॉप पोजिशंस, तो दोस्तों ये देखिएगा टॉप पोजीशंस ही आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं। लिस्ट ऑफ टॉपर्स 2019 टॉप पोजीशंस ऑल ओवर फुल सब्जेक्ट्स। तो यहां पर आप देख सकते हैं हंसिका शुक्ला जी जिनके 499 नंबर हैं, ये दिल्ली पब्लिक स्कूल मेरठ रोड गाजियाबाद यूपी की रहने वाली हैं, 499 नंबर स्कोर किया है। इसके अलावा करिश्मा अरोरा जी ने भी 499 नंबर स्कोर किए हैं, ST पब्लिक स्कूल मुजफ्फरनगर यूपी की हैं। इसके बाद आती हैं आपकी गौरंगी चावला जी, इन्होंने 498 नंबर स्कोर किए हैं, निर्मल आशीराम दीपमाला पब्लिक स्कूल ऋषिकेश उत्तराखंड की रहने वाली हैं। इस तरीके से ऐश्वर्या जी, भाव्या जी, आयुषी उपाध्याय जी, महक तलवार जी, पार्थ सैनी जी और बीरज जिंदल जी, इन सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा यहां पर स्कोर किया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और दोस्तों क्या उनकी स्ट्रेटजी रही, किस विषय में उनका एक नंबर कटा है, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हंसिका शुक्ला दो टॉपर लड़कियों में से एक हैं, DPS गाजियाबाद में पढ़ती हैं। हंसिका के 500 में से 499 नंबर आए हैं और उनका एक नंबर ओनली इंग्लिश में कटा हुआ है। हंसिका ने बताया कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी लेकिन टॉप करने के बारे में कभी नहीं सोचा था, और उनका सपना है कि बड़े होकर वो IAS बने और उन बच्चों को सफल बनाना चाहती हैं जो पैसे की कमी से नहीं पढ़ पाते हैं। तो देखिए यहाँ पर उनकी सोच भी कितनी अच्छी है और उनके क्या सब्जेक्ट यहाँ पर रहे हैं आप देख सकते हैं। तो उनका यहाँ पर राजनीतिक विज्ञान, हिस्ट्री, मनोविज्ञान, म्यूज़िक में उनके 100-100 नंबर यहाँ पर, पूरे के पूरे नंबर यहाँ पर उन्होंने स्कोर किए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो उनके नंबर रहे हैं काफ़ी अच्छे रहे हैं, सिर्फ एक नंबर उनका अंग्रेजी में कम हुआ है, नहीं तो वो 500 में से 500 नंबर स्कोर करने वाली यहाँ पर छात्रा हो जाती। तो दोस्तों हम सभी उनके लिए यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर बधाई देना चाहेंगे। अगर आप भी बधाई देना चाहते हैं तो कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशंस टाइप करें। इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोटिवेशनल वीडियो है, काफ़ी प्रेरणा मिलती है हमें इन वीडियोज से जब हम देखते हैं कि मेहनत का परिणाम हमेशा एक बहुत ही अच्छा परिणाम निकल के सामने आता है। तो आप भी हमेशा मेहनत में बिलीव करिएगा, हमेशा मेहनत करिएगा, रिजल्ट जरूर आपके पक्ष में रहेगा। इस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।